हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। मस्तिष्क क्या होता है? तो मस्तिष्क हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क को हम लोग खोपड़ी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर क्या होता है, हमारे जितनी भी ज्ञान इंद्रियां होती है, जितने उसको कंट्रोल करने का, उसको जो भी हमारा काम होता है वो कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो हमारा फ्रंटल लॉब होता है। कौन होता है? फ्रंटल लॉब होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अग्रपिंड के नाम से। किस नाम से? अग्रपिंड के नाम से। और देखिए, क्रोमियम द्वारा हड्डी से यह सुरक्षित रहती है। तो क्रोमियम द्वारा जो ये क्रोमियम नाम है, जो हमारा हड्डी से ये सुरक्षित रहती है। मतलब क्या हुआ कि हमारे खोपड़ी को कौन सुरक्षित रखता है? क्रोमियम। मस्तिष्क का तीन भाग होता है। कितना भाग होता है? तीन भाग होता है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, आइए अगले देखते हैं हम। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अग्र मस्तिष्क हमारा क्या होता है कि उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या कहा गया है कि जो हमारा सेरिब्रम है, क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम को हम सब किस नाम से जानते हैं? प्रामस्तिष्क के नाम से। किस नाम से? प्रामस्तिष्क। ठीक है, तो और ये क्या काम करता है? मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम हमारा सेरिब्रम करता है। थैलेमस हमारा क्या करता है? थैलेमस हमारा एक्सटर्नल जानकारी, जितना भी एक्सटर्नल जानकारी होगा वो हमें किसके द्वारा मिलता है? थैलेमस के द्वारा। ठीक है, जैसे हमें ठंड लगना, गर्म लगना, दर्द होना, इन सभी का एहसास हमें कौन करवाता है? थैलेमस करवाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगला, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या क्या काम होता है? तो हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, हमें जितनी भी इंटरनल जानकारी होती है वो हमें हाइपोथैलेमस के द्वारा ही मिलती है। जैसे भूख लगना, गुस्सा आना, किसी से प्रेम हो जाना, इन सब की जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो और देखिए हमारा साइंस क्या कहता है। साइंस हमारा कहता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड देख लेता है तो वो प्यार में पड़ जाता है। जबकि साइंस के अकॉर्डिंग प्यार कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है कि बस एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है, तो ऐसा कभी ना करें। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कहा गया है कि जो लहसुन है और प्याज होता है, लहसुन और प्याज खाने से हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइफ हम लोग जीते हैं, तो स्टूडेंट्स लाइफ में हमें लहसुन और प्याज कम खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा हाइपोथैलेमस पे असर पड़ता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ब्रेन कमज़ोर हो सकता है, हमारे याद करने की जो पावर होती है वो बहुत कम हो सकती है। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। मध्य भाग। मध्य भाग हमारा क्या होता है कि जब मस्तिष्क का कॉर्पोरा गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से कान और आँख दोनों पर असर पड़ता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि मस्तिष्क में हमारा कॉर्पोरा होता है, अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो जिसकी वजह से हमें आँख में और मतलब कान और आँख दोनों में असर पड़ सकता है। ठीक है, और सुनने की और देखने की काम को कॉर्पोरा नियंत्रित करता है, तो वो हमारा नियंत्रण करता है, इसलिए उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या है कि मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का काम हमारा सेरिब्रल करता है। कौन करता है? सेरिब्रल करता है। ठीक है, और कहा क्या कहा गया है कि जिसे हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से जानते। क्या नाम से? सेकेंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं आइए। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। कौन सा है? सेरिबेलम हमारा मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, जो हमारे शरीर में बैलेंस करने या बनाने का काम करता है। आइए एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल हमारा क्या है,
कि जैसे सर्कस वाले आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे जब कोई व्यक्ति सर्कस दिखाता है तो वो अपने आप को बैलेंस करके रखता है। बैलेंस करके क्यों रखता है? कि उसका जो सेरिबेलम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर किसी भी ह्यूमन को अपना सेरिबेलम स्ट्रांग करना है तो उसे क्या करना होगा, अपने हाइपोथैलेमस पे भी कंट्रोल करना होगा। तो सेरिबेलम हमारा कौन ख़राब करता है? शराब। शराब पीने से सेरिबेलम हमारा जो है वो ख़राब होता है। मेडुला क्या करता है? मेडुला का जो काम है हमारा श्वसन और पाचन को कंट्रोल करना है। तो क्या है? मेडुला का काम हमारा श्वसन और पाचन को कंट्रोल करने का काम है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है, क्वेश्चन हमारे हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का हमारा वजन होता है 2%। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। और आइए हम अपना आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो कौन होता है बताइए? सेरिब्रम। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको कैसे लगे हमें बताएं, और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट आप लोग को मिल रही हैं चीज़ें वो सुमन सर के द्वारा मिल रहे हैं। और आप लोग को किसी भी तरह की रीजनिंग, मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए क्लासेस करनी होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो कहाँ पर स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन का नियंत्रण केंद्र हमारा कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा में, मेडुला ऑब्लिगेटा में। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम अपने तो हमारा अगला प्रश्न है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो वह क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। ठीक है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग हमारा एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सॉन। ठीक है, एपिथेलिमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो एपिथेलिमस हमारा किस ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि और हैब्यूनुला, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के क्या कार्य होते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड के हमारा क्या कार्य होते हैं? मस्तिष्क से आने वाले एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाज के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो किस पदार्थ का तो हमारे ऑप्शंस हैं मेलिन, इनेमल, केवल ए और ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा हमारा? मेलिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो कितने युग्म पाए जाते हैं? 31। ठीक है, 31 युग्म पाए जाते हैं। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो क्या इसका कारण हो सकता है? मस्तिष्क हाइपोकेसिया। ठीक है, मस्तिष्क हाइपोकेसिया। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क्लेशिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो कौन सा होगा? मस्तिष्क। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? तो किस भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।